गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CSIR बायोलॉजी क्लासेस। अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे वो टॉपिक है, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। कैसे करके हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस होता है वाटर का लाइट रिएक्शन के टाइम पे, इसके पीछे क्या मेकानिज्म है, ये अभी हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में देखो हम लोगों ने देखा था, जिसका डायग्राम बना हुआ है, हम लोग बोलेंगे कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस देखा था, ठीक है। और इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को हम लोगों ने क्या किया था, जेड स्कीम पाथवे, या हम लोग बोल सकते हैं जिगजैग स्कीम पाथवे, या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से कोरिलेट किया था, ठीक है। तो ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से हम लोगों को क्या पता चला था, ये पता चला था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या जेड स्कीम पाथवे के टाइम पे जो एटीपी एंड रिड्यूस एनएडीपीएच2 बनता है वो किस तरह बनेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के तरफ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से ये पता किया था कि जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा वो हम लोग बोलेंगे कहां होगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से ये भी पता किया था कि जो जेट स्कीम पाथवे के टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उस टाइम पे क्यू साइकिल चलता है। देखिए क्यू साइकिल कहाँ चलेगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में क्या चलेगा, क्यू साइकिल चलेगा। ये भी हम लोगों ने देखा था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। और हम लोगों ने ये भी देखा था केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में कि जेड स्कीम पाथवे के टाइम पे, या हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के टाइम पे जो फोटोलाइसिस होता है वाटर का, जो फोटोलाइसिस होता है वाटर का वो हम लोग बोलेंगे क्या करता है, वो किसके थ्रू होता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 के थ्रू होता है। ये भी हम लोगों ने देखा था, इसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। देखिए क्यों होता था, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 2 के साथ एसोसिएटेड था, और हम लोग बोलेंगे क्या ये क्या कर रहा था, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहा था, ताकि क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो भी इलेक्ट्रॉन्स मिले वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है जिसको P680 बोलते हैं, वहां से जब इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया था उसको ये इलेक्ट्रॉन्स मिल सके, ठीक है। कौन वाले इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग बोलेंगे जो फोटोलाइसिस जो वाटर का वैसे जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है वो किसको मिल सके, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 को मिल सके, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने क्या देखा था, और हम लोगों ने ये देखा था कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के टाइम पे कि कितना रिड्यूस NADPH2 बन रहा था, तो हम लोग बोलेंगे 2 रिड्यूस NADPH2 बन रहा था, और हम लोग बोलेंगे 3 ATP बन रहा था। देखिए यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, आप लोग देख लेना वो वीडियो या लेक्चर, ठीक है। तो अभी देखो, अभी यहां पर इसको ऐसे करके समझिए कि जो अभी हम लोगों को टॉपिक जो जानना है वो हम लोगों को ये चीज जानना है कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग बोलेंगे एसोसिएटेड है किससे, फोटोसिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। और इसका मेन काम क्या चीज है, वाटर को क्या करना, फोटोलाइसिस करना, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना, H+4+ को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को इवॉल्व करना, ठीक है। तो ये कैसे करके हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है, ये अभी हम लोगों को देखना, ये मैकेनिज्म यहां पर वाला मैकेनिज्म अभी हम लोगों को स्टडी करना है डिटेल में। लेकिन इससे पहले देखिए क्या चीज मैं बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अगर ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है तो ये वाला पोर्शन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या चीज है, मैट्रिक्स स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ठीक है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड, सॉरी ये मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, P680 या क्लोरोफिल A680। क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर मेन रिएक्शन सेंटर जो फोटोसिस्टम 2 का होता है वो कौन होता है, हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A होता है, ठीक है। जो कि ये वाला देखो, ये जो फोटोसिस्टम 2 है, जब ये इस फोटोसिस्टम 2 में जब लाइट पड़ता है, ठीक है, जब लाइट पड़ता है तो हम लोग बोलेंगे इसका जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए है उससे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। तो इसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, किसमें, हम लोग बोलेंगे P680 में या क्लोरोफिल A680 में। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो लॉस हो गया उसको हम लोग बोलेंगे कंपनसेट करता है कौन, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। कैसे करके, तो ल्यूमेन में जो थैलाकॉइड के ल्यूमेन में जो वाटर है इसको फोटोलाइसिस करता है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली किसको दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिस्टम 2 या P680 को, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ था, हम लोग बोलेंगे एक्साइट हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी हो गया था किसमें, P680 में, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा।
तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके ये मेकानिज्म काम कर रहा है, ठीक है, इसको अभी हम लोग को देखना है डिटेल में। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पर ये जो फोटो सिस्टम टू है इसको मैं यहाँ पर मैग्निफाई करके बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे करके वाटर इवॉल्विंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को ये तोड़ रहा है या फोटोलाइसिस कर रहा है और वाटर के इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम टू तक पहुंच रहा है। ये अभी मैं बनाऊंगा, इस डायग्राम को मैग्निफाई करके यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ ये हम लोग बोलेंगे कि ये मैग्निफाइड व्यू में बनाया हूँ, किसका हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम टू का, ठीक है। तो ये मैग्निफाइड व्यू है फोटो सिस्टम टू का, तो कैसे करके, तो देखिए इसको समझिए। देखिए फोटो सिस्टम टू थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, तो ये देखिए ये क्या चीज है, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, देखिए, ठीक है। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के जस्ट इस तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड होगा, और थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के उस तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो भी मतलब फोटो सिस्टम टू होता है उसके साथ हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, उसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग क्या एसोसिएटेड होता है, हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या चीज है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है जो एसोसिएटेड है फोटो सिस्टम टू के साथ, लेकिन ये किस तरफ है हम लोग बोलेंगे टूवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको समझिए क्या क्या चीज है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है फर्स्ट। सेकंड हम लोग बोलेंगे कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग, जब वाटर का जब स्प्लिटिंग होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके फोटो सिस्टम टू के पास पहुंचता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैकेनिज्म ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझना है, देखिए यहाँ पर ये समझना है कि हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइट एनर्जी जब भी लीफ में पड़ता है, ठीक है, तो लीफ में पड़ेगा इसका मतलब वो लाइट एनर्जी कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम के पास जाएगा। तो यहाँ पर फोटो सिस्टम क्या है, फोटो सिस्टम टू है, जिसको हम लोग बोलते हैं P680 या क्या बोल सकते हैं क्लोरोफिल A680। क्यों P680 या क्लोरोफिल A680 बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि फोटो सिस्टम टू का जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल ए, ठीक है। और ये क्लोरोफिल ए कितना वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हम लोग बोलेंगे 680 वेवलेंथ वाले लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड लाइट, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलेंगे सनलाइट जो एनर्जी होता है वो हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम टू पे पड़ता है, तो ये जो लाइट एनर्जी होता है, सनलाइट का जो एनर्जी होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है वो हम लोग बोलेंगे क्या करता है, क्लोरोफिल ए से मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, एक्साइट कर देता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि क्लोरोफिल ए से क्या होता है, क्लोरोफिल ए 680 से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाता है, एक्साइट हो जाता है, ठीक है, बाहर निकल जाता है, एक्साइट हो जाता है। का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी इतना सफिशियंट होता है कि ये क्या कर देता है, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, वो भी तो एटम नहीं बना होगा ना, तो उससे क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि क्लोरोफिल ए में क्या चीज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया, और ये जो क्लोरोफिल A680 है या P680 या फोटो सिस्टम 2 है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल के हम लोग बोलेंगे इसको कौन रिसीव करेगा, तो हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन रिसीव करेगा। तो ये मॉलिक्यूल का चीज हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये जो फियोफाइटिन है ना, फियोफाइटिन से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा प्लास्टोक्विनोन ए में जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, प्लास्टोक्विनोन ए में जाएगा। प्लास्टोक्विनोन ए से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, प्लास्टोक्विनोन बी में जाएगा, ठीक है। और ये प्लास्टोक्विनोन बी से फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, वो आप लोग देख लीजिएगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक, इससे प्रीवियस लेक्चर में है। तो अब देखिए ध्यान से, यहां पर समझिए, यहां पर ये चीज समझने का बात है कि ये जो D1 प्रोटीन है, देखो ये जो ब्लैक कलर से मैं दिखाया हूं ये D1 प्रोटीन है फोटो सिस्टम 2 का, और ये जो ब्लू कलर से दिखाया हूं ये क्या चीज है, D2 प्रोटीन है फोटो सिस्टम 2 का। तो D1 प्रोटीन में देखिए, D1 प्रोटीन में हम लोग बोलेंगे क्या चीज प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। तो ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट हो गया बिकॉज ऑफ द सनलाइट एनर्जी, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए 680 या क्लोरिया फोटो सिस्टम 2 में या P680 में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी हो गया, तो इसको भी क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकला, ठीक है,